आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मेरा नाम है आदर्श। आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। जी हाँ, ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला और लखनऊ के नवाबों का यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मुकाबला खेला जाना है। पहला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ हमारे नवाब खेलने वाले हैं। हम आज 4 या 5 दिन पहले ही पहुँच चुके हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि आखिर जो तैयारियाँ हैं वो स्टेडियम में किस प्रकार की चल रही हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, खिलाड़ी अंदर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है वो पूरी तरीके से सज चुका है। जो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, व्यवस्थाएं हैं, उनको मजबूत किया जा रहा है। हम अभी सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे थे, हम यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ज़ोरों और शोरों से चल रही हैं। बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबलों की और उनके प्लेयरों की, इस बार कौन धमाल मचाने वाला है, क्योंकि जब आप मौके पर होते हैं तो बात ही कुछ अलग होती है। बात करेंगे पहले मुकाबले की। पहला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ खेला जाना है जो कि 1 अप्रैल को खेला जाएगा और वो इसी मैदान पर होगा। यानी लखनऊ वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आईपीएल पहली बार लखनऊ आ रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी मैदान पर किसी भी शहर में पहली बार आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। टीम के कमान संभाले हैं केएल राहुल और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो टीम में शामिल हैं। दीपक हुड्डा आपको मिल जाएंगे, कुरनाल पांड्या मिल जाएंगे और इस बार कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। बात कर रहे थे मुकाबले की, पहला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ होगा। दिल्ली एक तरीके से मजबूत मानी जाती है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले साल उन्होंने और इस बार माइंडसेट के साथ आएंगी ताकि जो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया जा सके। लेकिन लखनऊ के नवाब भी किसी से कम नहीं है। केएल राहुल जो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं वो हमारे कप्तान यानी लखनऊ के कप्तान हैं। उनकी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा टीम के लिए बहुत अहम रोल निभाने वाली है आने वाले मैचेस में। वहीं और भी प्लेयर हैं, दीपक हुड्डा की बात करें जो रवि बिश्नोई इस बार पहली बार लखनऊ के लिए खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। एक जो टेंशन की बात है थोड़ी बहुत लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि मोहसिन खान जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं वो इंजर्ड हो गए हैं जिसके बाद वो कुछ मैचेस आईपीएल के मिस कर सकते हैं। वहीं इस बार कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं टीम में जिनकी हम आपको विस्तार से सारी जानकारियां देंगे और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पल पल की अपडेट्स होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार ऐसे ही। और फील्ड पर जाकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्लेयर्स की प्रैक्टिस और जो भी सारी चीज़ें होंगी सिर्फ आपको ये न्यूज़ टुडे पर देखने को मिलेंगी। बात करेंगे और भी मैचेस की तो दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स का रांची के राजकुमार का चेन्नई में होगा। जी हाँ, दूसरा मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से चेन्नई में खेला जाएगा। तो लखनऊ सुपर जायंट्स काफ़ी बढ़िया टीम है एक हिसाब से, क्योंकि जब ऑक्शन हुए थे पिछली बार, पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीएल में, 10 टीमों का आईपीएल हो गया था, तो जब ऑन द पेपर लोगों ने टीम देखी थी तो कहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स बढ़िया टीम है और उसने कुछ अच्छा किया भी था। भले चौथे पोजीशन पर फिनिश किया था पिछले सीज़न में, लेकिन कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छे जीतें जो हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स के झोली में गिरी थी। इस बार उससे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद लखनऊ सुपर जायंट्स करेगी। बता दें कि लखनऊ की टीम बड़े बड़े स्टार्स से एकदम भरी हुई है। केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक, दीपक हुड्डा, कुरनाल पांड्या जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी पिछले सीज़न में भी थे और इस सीज़न में कुछ नए नाम टीम में जुड़े हैं जिसमें निकोलस पूरन और डेनियल सम्स जैसे जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको टीम में ऐड ऑन किया गया है। हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि किस प्रकार से जो तैयारियाँ हैं वो मैच को लेकर यहाँ पर चल चुकी हैं। आप हमारे पीछे स्टेडियम देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेडियम को लगातार साफ़ सफाई का जो काम है वो किया जा रहा है। सिक्योरिटी के मद्देनज़र लगातार यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। प्लेयर्स जो हैं वो अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी भी हम जब यहाँ पर सिक्योरिटी से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि लगातार जो प्लेयर हैं वो पसीना बहा रहे हैं। वक्त बहुत कम बचा है, 1 तारीख को यहाँ पर मुकाबला होना है, सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हुए हैं मैच को शुरू होने में। तो तैयारियाँ भी हैं वो भी ज़ोरों पर हैं और लगातार जो टीम है वो अपना पसीना बहा रही है ग्राउंड में पहुंचकर और प्रैक्टिस कर रही है ताकि इस बार लखनऊ वालों को और लखनऊ के टीम के फैंस को खुश कर दिया जाए। और उम्मीद करेंगे लखनऊ के फैंस कि इस बार लखनऊ की टीम आईपीएल टाइटल अपने नाम करेगी और लखनऊ वालों को खुश करेगी। ये कवरेज लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे, स्पेशल कवरेज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से, और लखनऊ सुपर जायंट्स की छोटी छोटी अपडेट्स होंगी, एक्सक्लूसिव अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। मेरा नाम है आदर्श, नमस्कार।